आरोप नहीं है कि यथार्थ है कि पिछले सोमवार को हमने जनसंपर्क और माध्यम दोनों में फर्जी भर्तियां और अन्य घोटाले जो करीब 200-250 करोड़ के लगभग हैं उनका पर्दाफाश किया था, और ठीक उसके दो दिन बाद जनसंपर्क विभाग में प्रायोजित ढंग से गोदाम में आग लगाकर उन रिकॉर्डों को षड्यंत्रपूर्वक नष्ट किया गया है। चूँकि जिन अधिकारी की संलिप्तता हमने मीडिया के समक्ष बयां की थी वे अधिकारी जनसंपर्क कार्यालय में भी आज ज्वाइंट डायरेक्टर की हैसियत से बैठते हैं, तो उन घोटाले घपलों और भ्रष्टाचार का आधा कागज माध्यम में रखा जाता है रिकॉर्ड और आधा जनसंपर्क में रखा जाता है। इस लिहाज से इस भ्रष्टाचार की परतें न खुल जाएं जानबूझकर वहां आग लगाई गई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। आजकल किसी भी घोटाले के उजागर होने के बाद उनके दस्तावेजों में आग लगाना एक सामान्य बात हो गया है। विधानसभा चुनाव के बाद भी जब लगभग सरकार बनने की अनिश्चितता थी तब सतपुड़ा बिल्डिंग में आग लगाई गई थी और भ्रष्टाचार से संबंधित कागजातों का उस आग में स्वाहा होना पाया गया था। उसकी आज तक सरकार ने कोई जांच नहीं की। दोषी व्यक्ति हमेशा अपने बचाव के लिए पक्ष देता है। हमारा फिर आरोप है कि उस आग में भी दस्तावेजों के साथ नष्ट करने की चेष्टा की गई है, और कल जो जनसंपर्क में आग लगी है उसमें भी प्रमाणों को नष्ट करने की कोशिश ही नहीं, हमारे हिसाब से लगभग नष्ट कर दिए गए हैं। तो यह गंभीर मामला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी हो, और उसमें छोटे लोगों की नहीं बड़े नामचीन अधिकारियों का जिनकी ओर हमने आपको इशारा किया है। नहीं, मैं तो अपनी तैयारी पूरी कर रहा हूँ और मैं बाकायदा इस लड़ाई को कोर्ट तक लेके जाऊँगा।